रायबरेली में कलयुगी बेटी ने रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी माँ व मासूम भाई को चाय में जहर दे दिया। दोनों गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंपापुर खजूरी गांव का है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर चंद्र नरेश की 18 वर्षीय बेटी रोशनी ने चाय में जहर डालकर अपनी माँ गंगा देवी उम्र 35 वर्ष व मासूम भाई सूरज उम्र 10 वर्ष को पिला दिया। चाय पीने के बाद धीरे धीरे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से परिजन दोनों माँ बेटे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ दोनों माँ व मासूम बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दबी जुबान में ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों की डांट फटकार के बाद बेटी ने मां व भाई को जहर दिया है। वो तो जहर ऊपर खाना बना रहे थे, वहां से गड़ के दे दिया। अब नीचे का पता कोई कहा कि जहर दे है का दे है, क्यों दिया? कोई डांट फटकार कुछ नहीं उसका, कहीं कोई संबंध वगैरह उस पर डांट फटकार पड़ी थी ऐसा बताया जा रहा है? हमारे सामने थोड़ा बार नहीं तो हम थका देते हैं। किस चीज़ में जहर दिया गया है? चाय में। क्या है पूरी बात बताओ? चाय पूरी बात तो बताया है ना, पूरी बताओ। डॉक्टर क्या बच्चे है? डॉक्टर SKS की EMO जिला अस्पताल रायबरेली। ये गंगा देवी करीब एज है उनकी 35 साल, उनका एक लड़का है करीब, उसका नाम है सूरज साल 10 साल का है, जो कि ये SCSC जगतपुर से रेफर किया गया था। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस था। बाकी अटेंडेंट से पता करते हैं, पता चला कि उनके फैमिली के जो उनके लेडी जो गंगा देवी है इनकी बेटी, इनको चाय में जहर मिला के दे दी। ये तो अब जाँच का विषय है पुलिस का, आगे क्या होता है। बाकी ये लोग रहने वाले पंपापुर थाना गदागंज कराने वाले हैं। बाकी इनकी नाजुक स्थिति बनी है, इन दोनों को एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।